यही है कि झारखंड में जो भी विकास की बात होगी उसके संदर्भ में, और जो बेरोजगार युवक युवतियां हैं उनके लिए हम प्रयास करेंगे। लोग पलायन करते हैं, लेकिन व्यवस्था रहेगा, सरकार से आग्रह किया जाएगा कि यहाँ कोई ऐसा कारखाना या कोई इस तरह का हो, और नहीं तो कोई दूसरे ढंग के छोटा छोटे यूनिट बना करके भी यहाँ के लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। अभी हमारे समक्ष ललित सरन जी, जो दुमका लोकसभा से उम्मीदवार बनाया गया झारखंड मुक्ति मोर्चा से, हमारी जितनी उम्र नहीं है कि उससे ज्यादा अनुभव होगा राजनीति में। शिकारी पड़ा से लगभग 7 बार, लगातार 7 बार विधायक रह चुके हैं। हम बात करेंगे, जानेंगे जो लोकसभा चुनाव होगी 2024 में इस बार, और इनकी इनके साथ कड़ी टक्कर देने वाली है सीता सरन बीजेपी से। हम बात करेंगे, सबसे पहले जोहर सर जी, आप इस बार 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाली है, आपको लोकसभा उम्मीदवार बनाया गया दुमका से झारखंड मुक्ति मोर्चा से, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जब उम्मीदवार पार्टी ने बनाया है, पार्टी के सुप्रीमो ने, और मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष हैं, सबको मिलजुल के मुझे सूचित किया है, चयन किया है, उम्मीदवार बनाया है। तो इसके लिए हम यहाँ संगठन जो भी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा संगठन, इस लोकसभा क्षेत्र में, जैसे कि आपका दुमका और जामताड़ा दो जिला में आता है, तो दोनों जिला के संगठन के हम के साथ बैठ करके उनके साथ जो भी योजनाएं बनेंगी निश्चित रूप से जीत का ही रहेगा। जैसे कि लोगों के समक्ष किन मुद्दे को लेकर आप जाएंगे? देखिए, हम मुद्दा यही है कि झारखंड में जो भी विकास की बात होगी उसके संदर्भ में, और जो बेरोजगार युवक युवतियां हैं उनके लिए हम प्रयास करेंगे, जहां तक रोजगार देने का सरकार से आग्रह करेंगे कि रोजगार उनको मिले। जैसे कि यहाँ से बहुत ज्यादा पलायन करते हैं संथाल परगना से देखा जाए, तो उस मुद्दे को लेकर आप कितना सही? यहाँ जो है, यहाँ असल में कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं है, जिसके चलते यहाँ से लोग पलायन करते हैं, लेकिन व्यवस्था रहेगा, सरकार से आग्रह किया जाएगा कि यहाँ कोई ऐसा कारखाना या कोई इस तरह का हो, और नहीं तो कोई दूसरे ढंग के छोटा छोटे यूनिट बना करके भी यहाँ के लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे, आपके समक्ष, ताकि पलायन यहाँ से नहीं होता हो। जैसे कि आपके समक्ष सीता सरन जी, जो आपको चाचा बोलते हैं और आपसे आशीर्वाद लेके हुए चुनाव में उतरी है, ऐसे बोला जाता है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, घर की बात है, घर में रिलेशन होता है और उसमें आशीर्वाद वगैरह सब, लेकिन युद्ध के मैदान में, मैंने चुनाव के मैदान, हम अपना अलग, मेरा रहेगा जो एजेंडा है हम उसको एक रहेंगे, तू अपना जो एजेंडा है, लेकिन घर में रिलेशन में, घर का रिलेशन है। बीजेपी वाले बोलते हैं कि इस बार झारखंड में 14 पार और पूरे देश में 400 पार, आपको क्या लगे? वो तो देखेगा ना चुनाव के बाद ही ना, उसका जब रिजल्ट होगा, 400 होता है कि नहीं, तो उससे होने जाने तो नहीं है, निश्चित रूप से ये जो फोल्डर गठबंधन फोल्डर इंडिया है, उसका निश्चित रूप से अच्छा। जैसे कि हमारे साथ ललित सरन जीते हैं, ऐसे तमाम खबरों को दिखाते रहेंगे। बने रहिए जवाहर गांव के साथ। धन्यवाद।